इंसान का पेशाब व पाखाना नजिस है, फ़र्क नहीं पड़ता बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो या कुछ और हो। किसी भी सूरत में अगर वो इंसान है, किसी शक्ल में भी, किसी सिन व साल का हो, दुरुस्त, किसी भी जिंस का हो, जेंडर कुछ भी हो उसका, इंसान है तो उसका पेशाब व पखाना नजीस है। सिर्फ एक मसला आता है जिससे शायद ये बात जगह पर गलत फहमी पैदा होती है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है। पेशाब पाक नहीं है, पेशाब उसका भी नजीस है। ऐसा बच्चा जो सिर्फ दूध पीता हो, दूध के अलावा ठोस गज़ा इस्तेमाल ना करता हो, पेशाब उसका भी नजीस है, क्योंकि इंसान तो वो भी है, दुरुस्त। सिर्फ जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि क्योंकि अभी इसने ठोस गज़ा इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की है और दूध पीता बच्चा है, तो इसकी तहारत और इसको पाक करना बाकी दूसरे पेशाब की नस्बत आसान है। मसलन आबा सिस्तानी के नज़रिए के हिसाब से अगर किसी दो चार पाँच छः सात आठ साल से, यानी आप इस दूध देखें, अब मसला है कि दूध खाली दूध पीता हो, एज को आप कोई फिक्स नहीं कर सकते कि जी चार महीने, बाद बच्चे हैं वो मतलब मुमकिन है दस महीने तक कुछ ना खाना शुरू करें और दूध ही पीते हो, बाद बच्चे हैं जो मुमकिन है बाद माएँ होती हैं आहिस्ता आहिस्ता आदत डलवा के उनको शायद चार महीने से पहले भी शुरू करवा दें। तो अब मैं कोई एज नहीं आपको दे सकता कि एज लिमिट आपको दूँ कि जी इससे ऊपर और इससे नीचे। मैयार सिर्फ ये है कि ये सिर्फ दूध पीता है या दूध के अलावा ठोस गज़ा भी इस्तेमाल कर रहा है। अब जब तक उसके दूध पीने की एज है सिर्फ वाला, यानी सिर्फ के साथ बेकैद सिर्फ, उस वक्त तक उसके पेशाब का हुक्म उससे ऊपर के बच्चों पर फ़र्क कर जाएगा। अब मैं सिर्फ आसानी के लिए, मैंने पहले तमीदन अर्ज़ कर दिया कि कोई डेट मैं नहीं दे सकता आपको, कोई एज लिमिट नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ आसान बनाने के लिए हम एक मिसाल बनाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है और उस बच्चे ने छः महीने तक सिर्फ दूध इस्तेमाल किया है और छः महीने के बाद वो दूध के साथ साथ अब ग़िज़ा पर भी आ चुका है, ठीक है। तो ये बच्चा जो छः महीने तक सिर्फ दूध इस्तेमाल कर रहा है, तो इस छः महीने के दौरान इसका पेशाब अगर आपके कपड़ों पे लग जाए या बदन पे लग जाए, या इस एज के बाद जब उसने ठोस गज़ा भी शुरू कर दी है फिर उसका पेशाब आपके बदन या लिबास पे लग जाए, पाक करने में फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इस एतबार से है कि अगर ये छः महीने से ऊपर वाला बच्चा है, आपके बदन को या लिबास को पेशाब लग जाए, तो आगा सिस्तानी के मुताबिक कुर और कलील दोनों पानी में नजासत हटाने के बाद दो दो मरतबा पाक करें। अच्छा, ये नजासत हटाने के बाद इसके अपनी कुछ कंडीशंस बन सकती हैं, लेकिन मैं अभी उन सब को छोड़ते हुए बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि नजासत हट जाए उसके बाद दो मरतबा कुर और कलील दोनों पानी में, चाहे बदन हो चाहे लिबास हो, वो पाक हो जाएगा। और लिबास है तो उसको निचोड़ना भी पड़ेगा हर मरतबा। लेकिन यही अगर इसका छः महीने से पहले बदन हुई बदन, फ़र्ज़ करें लिबास हुई लिबास, उस पर वो नजासत लग जाए और पेशाब लगे, सिर्फ पेशाब का मतलब पेशाब लग जाए उसका, तो ये एक ही मरतबा में पाक हो जाएगा। कपड़ा है तो निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी अगर छः महीने से पहले इसका पेशाब हमारे बदन या लिबास पर लगे तो ये एक दफ़ा में पाक हो जाएगा, निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, दुरुस्त, नजासत हटाने के बाद। लेकिन अगर ये छः महीने के बाद लगता है तो पाक करना निस्बतन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक की बजाय दो मरतबा पाक करना पड़ेगा, दो मरतबा निचोड़ना पड़ेगा नजासत हटाने के बाद। सिर्फ इतना फ़र्क है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पाक करने का जो तरीका है वो सिर्फ दूध पीते बच्चे का और उसके उससे ऊपर से लेकर 100 साल तक के बच्चे का, दुरुस्त, वो अलग है। वह अल्लाह पेशाब इसका भी नजीस है, पेशाब उसका भी नजीस है। डिफरेंस सिर्फ तहारत की जहत, तथहीर की जहत में है, दुरुस्त। रहमतिका या अरहमर राहिमीन।
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.